आखिर मिल ही गया भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में जानकर आप भी हो जाओगे हैरान। सनातन धर्म की कथाओं और मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु, जो इस जगत के पालनहार हैं, त्रिदेव में से एक देव हैं। आज मैं उनके ही सुदर्शन चक्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो अत्यंत ही शक्तिशाली अस्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं। वही सुदर्शन चक्र जिससे भगवान विष्णु असुरों का संहार करते हैं। आज इस सुदर्शन चक्र के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि इस समय धरती पर मौजूद है और वह कहाँ है, कैसा है, आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब एक बार देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें सभी देवता युद्ध कर रहे थे। उस समय असुरों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जिसने पल भर में ही सभी असुरों का नाश कर दिया। पर किसी कारणवश सुदर्शन चक्र धरती पर आ गया और कहा जाता है सुदर्शन चक्र अभी भी धरती पर मौजूद है। उसके बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं, पर अब सभी जान जाएंगे कि आखिर सुदर्शन चक्र धरती पर है तो कहाँ है और किस हाल में है। दोस्तों, आप सभी ने उत्तर प्रदेश जिला हरदोई मिश्रिक नाम तो सुना होगा, जहाँ माता ललिता का बहुत बड़ा मंदिर है। वही माता ललिता जिन्होंने भंडासुर का संहार किया था, जो अपने भक्तों का आए दिन कल्याण करती रहती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माता के दरबार में जाता है, माता उसे कभी निराश नहीं करती। और यहीं पर माता के मंदिर से कुछ दूरी पर है सुदर्शन चक्र, जो इस वक्त एक कुंड के रूप में विराजमान है। कहते हैं कि जब सुदर्शन चक्र असुरों का संहार करके धरती पर गिरा तो वहां सीधा पाताल लोक चला गया, जिसके कारण यहां पर एक कुंड बन गया और वह कुंड सीधा पाताल लोक तक जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने ही यह लीला रची, जिसके कारण यहाँ पर चक्र कुंड है और यहाँ पर हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं और चक्र कुंड में स्नान करते हैं, जो कि देखने में एक अद्भुत नज़ारा लगता है। वह इस चक्र कुंड में नहाकर भक्तजन अपने आप को भगवान विष्णु के चरणों में महसूस करते हैं। चक्र कुंड में नहाने के बाद माता ललिता के दर्शन के लिए सभी भक्त जाते हैं और माता ललिता के दर्शनों का उन्हें उचित फल प्राप्त होता है। जिन भक्तों ने अभी तक माता ललिता के दर्शन नहीं किए हैं, वह लोग मिश्रिक में आकर माता ललिता के दर्शन कर सकते हैं और चक्र कुंड में नहाने का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी यहाँ आकर माता ललिता के दर्शन कीजिए और चक्र कुंड में नहाकर भगवान विष्णु के चरणों में होने का अनुभव कीजिए।